हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है रणवीर मान जी ने और ये लिखते हैं, सर वेल एक्सप्लेन। सर ये बताइए कि सिक्स हाउस के केतु का मामा और ननिहाल वालों के ऊपर का असर होता है। सिक्स हाउस के केतु का मामा और ननिहाल यानी जो मदर का घर होता है उसके ऊपर क्या असर होता है। देखिए केतु को जैसे हम जानते हैं कि केतु हमारा इनिशियल लाइफ एक्सपीरियंस है, जो भी हम शुरुआती जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं वो केतु की प्लेसमेंट से पता चलता है। केतु यानी ऑब्जर्वेशन, केतु यानी सेपरेशन, केतु यानी नॉलेज, केतु यानी किसी भी चीज़ को जब आप इनिशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद आप वहाँ से जब हट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो वो केतु की प्लेसमेंट से समझ में आता है। सिक्स हाउस को हम बर्थ चार्ट में ऐसा मानते हैं कि जैसे फोर्थ हाउस यानी आपकी मदर, सिक्स हाउस यानी मदर के सिबलिंग्स यानी उनके छोटे भाई छोटी बहन, वो सिक्स हाउस से देखा जाता है। सिक्स हाउस यानी आपके मामा लोग। तो सिक्स हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो इनिशियल लाइफ में जो आपकी मदर हैं और जो उनका परिवार है उनके साथ रहने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है और बहुत ज़्यादा आप उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी मामा के साथ हो सकता है कि जो आपके मामा हैं वो आपको किसी काम धंधे में लगाएं, उनका खुद का कोई काम हो, आप वहाँ काम करते हों, काम सीखते हों, मामा के साथ रहते हों, उनके परिवार के साथ रहते हों, दिन रात वहीं आपका सारा कुछ चलता हो, पढ़ाई लिखाई भी आपकी वहीं हुई हो, ये सारी चीज़ें आप इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में होता है तो मामा के साथ जो संबंध होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और मामा के कारण आपको कई बार बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में है, अपने एग्जल्टेशन में है, तो जो आपके मामा होंगे उनके कारण सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ सकता है। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है और अपनी अच्छी पोजिशन में है तो मामा के कारण आपका नाम और आपको फेम मिल सकता है। सेकंड हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो उसके कारण आप बहुत वेल्थी बन सकते हैं, यानी आपके जो मामा हैं वो आपको इतना सपोर्ट करेंगे जिसके कारण आप बहुत वेल्थी बन जाते हैं। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में होता है और अपनी अच्छी पोजिशन में है, अपने एग्जल्टेशन में है, तो मामा के कारण आपका जो सुख है वो बढ़ सकता है। मामा मतलब जो आपकी मदर की जो फैमिली है उनके सपोर्ट के कारण। लेकिन सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है तो कई बार नुकसान भी होता है, यानी मामा के कारण आपका नुकसान भी हो सकता है। जैसे सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में है तो मामा के कारण आपकी जो इनकम है वो खत्म हो सकती है। फोर्थ हाउस में है तो सुख आपका बर्बाद हो सकता है। फर्स्ट हाउस में है तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपका नाम बिगड़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन चाहे ग्रह अपने एग्जल्टेशन में हो या अपने डेबिलिटेशन में हो, शुरुआती जीवन में आप इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ों को। केतु सिक्स हाउस में बैठा हुआ है तो बाद में केतु आपको आपके मामा से सेपरेट करता है, यानी उनकी फैमिली से आप सेपरेट हो सकते हैं। चाहे रीज़न कोई भी हो, चाहे आपका कहीं काम धंधा लग जाए, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसके चक्कर में हो सकता है मामा से सेपरेशन हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मामा के साथ जो आपके संबंध है वो बिगड़ सकते हैं और उसके कारण भी सेपरेशन हो सकता है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका रणवीर मान जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चन भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया सिक्स हाउस के केतु के बारे में कि सिक्स हाउस के केतु का आपके मामा से क्या लेना देना है, यानी आपकी जो मदर है उनकी फैमिली से उनका क्या संबंध बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के बारे में या सिक्स हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।